वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ, जो कि जीके का प्रैक्टिस सेट है। ये 100 जीके टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, प्रैक्टिस सेट आई थिंक यह 18 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले इसके 17 प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं, जो कि डिफरेंट बुक्स से हैं, और यह आपके एग्जाम्स में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। यानी आपके एग्जाम्स में यदि आप अच्छे से मेरे प्रैक्टिस सेट्स करके जाते हैं, ओनली सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स भी कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम्स में 80-90% क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सेम आएगा। इफ़ आपने ओनली प्रैक्टिस सेट्स कर रखा हो तो 80% क्वेश्चन सेम, और यदि अच्छे से सारे क्लासेस कर लिया तो 90-95% क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल हु बहू आपके एग्जाम्स में आएगा। इफ़ आपको ये पता है कि एग्जाम्स में आने वाला है फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना है। इफ़ आप यदि अच्छे कोई भी चैनल, जो भी अच्छे चैनल्स है जिसके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, वैसे 3 चैनल्स को यदि कंबाइंड कर दे फिर भी मेरे इतना वो लोग आपको प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं, इतना मैं एकदम सियोरिटी के साथ बोल सकता हूँ। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स देख लीजिए, वो लोग जितना मैं करवा रहा हूँ 3 चैनल्स भी मिला दीजिए, उतना कोई ना आपको प्रैक्टिस सेट्स कराया है, ना कोई कराएगा, ना फ्यूचर में भी कोई कराने वाला है। इसीलिए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, जिसका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है 8420867425। तो समझिए मेरा लक्ष्य है कि पहले 70 सेट्स हो चुके हैं, अभी 100 सेट्स करवा रहे हैं, मतलब 170 प्रैक्टिस सेट्स का लक्ष्य देखिए 170, यानी समझ लीजिए इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। और पूरे देख लीजिए आप, कोई कोई चैनल जो अभी तक इतने दिन से काम कर रहे हैं 2-3 साल से 170 सेट्स नहीं कराए होंगे, जबकि मैं एक ही ईयर के लिए, एक ही एग्ज़ाम्स के लिए इतना करवा दे रहा हूं। तो समझिए एक बेस्ट प्रैक्टिस, जो आपको इंस्टीट्यूट में भी इतनी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती होगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमेक्स किस देश का संवेदी सूचकांक है? तो सीमेक्स किस देश का संवेदी सूचकांक है? सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिसली। तो जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है सिम्बेक्स, एस आई से क्या शुरू होता है, एस आई से शुरू होता है सिंगापुर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंगापुर। बेझिझक आप एग्जाम्स में मार सकते हैं, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन को मिलेगा। तो भारत की प्रथम महिला IAS, आपसे पूछा है IAS, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ फुल फॉर्म ऑफ IAS, IAS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताइए इसका आंसर। किरण बेदी, उज्ज्वला पाटिल, अन्ना जॉर्ज, आशापूर्णा देवी। तो भारत की प्रथम महिला IAS का नाम क्या है, अन्ना जॉर्ज थी, वो भारत की प्रथम महिला IAS थी, और IAS का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट आईपीएस अधिकारी कौन थी, और आईपीएस का भी फुल फॉर्म बताना है। तो मैंने अभी टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिया, IAS, IPS का फुल फॉर्म, और IPS जो प्रथम बनी थी उसका नाम क्या था, 3 क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप आंसर तो दिया कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अभी तक मैंने कितने बार करा दिया यह क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता। इफ़ कोई बच्चा यह क्वेश्चन रॉन्ग करता है, मतलब उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इफ़ देखिए आपका यदि मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा हो तो आप अच्छे से प्रीवियस क्लासेस को कीजिए, तो आपका भी मार्क्स अच्छा आने लगेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो छोटा महासागर है उसका नाम आप बताइए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था, ये 5th नंबर क्वेश्चन था। देखिए आज मैं आपसे कितना क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन अभी तक आपको होमवर्क दिए जा चुके हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे सुनना है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं है, कितना प्रतिशत भाग दिखता नहीं है? 16.6%, 50%, 20.50% या 41%? तो चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 41% भाग जो है वह चंद्रमा का दिखता नहीं है। कितना, 41% भाग नहीं दिखता है, एंड 59% जो भाग है वह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मेरा आज का छठा क्वेश्चन है आपसे। तो देखिए, अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन कराया और 6 क्वेश्चन होमवर्क भी दे दिया कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। फिलहाल इसका किस अनुच्छेद में है, 15A, 51A, 42 है या 24 है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के 51A अनुच्छेद में है। कितना? 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर है? थाने, वारगल, पंजी, होशंगाबाद। इसी के साथ आपका होमवर्क क्वेश्चन, आज का 7वां नंबर होमवर्क क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 7वां होमवर्क क्वेश्चन आज आपको दे चुका हूँ। तो फिलहाल पंचवड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, वो भी क्वेश्चन इंक्लूड कीजिएगा आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। होशंगाबाद में पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर ही? होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है? केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है? रामविलास पासवान, अनंत कुमार, सदानंद गौड़ा, शिबू सोरेन। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है? तो कौन है? सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा जो है केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, FEMA। तो चलिए, आज का आपका 8वां होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, फुल फॉर्म बताइए। FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एनर्जी मैनेजमेंट एजेंसी, फॉरम ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट अथॉरिटी, फॉरम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी अथॉरिटी। तो FEMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स आएगा, मैंने टॉप 200 फुल फॉर्म करा रखा है, उसके बाहर आपके एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है FEMA का फुल फॉर्म है क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रा मुद्गल का संबंध किस भाषा साहित्य से है? चित्रा मुद्गल का संबंध किस भाषा से है? पंजाबी, हिंदी, असमी, गुजरात। तो इसके साथ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मैं और बताते चलूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी बार लॉट्स ऑफ टाइम कराया है, एंड बिहू साल में कितना बार मनाया जाता है? फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चित्रा मुद्गल का संबंध साहित्य के हिंदी भाषा से है। किस भाषा से? हिंदी भाषा में। हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मदर इंडिया के लेखक कौन है? मदर इंडिया इज रिटन बाय कैथरियन मेयो, जैनेन्द्र, विनायक सावरकर, भीमसेन जोशी। तो अभी तक आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मदर इंडिया के लेखक कौन है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है यह क्वेश्चन, काफ़ी हद तक इसकी संभावना है। तो मदर इंडिया के लेखक कौन है, आपको इसका सही जवाब आना चाहिए, कैथरीन मेयो जो है वो मदर इंडिया के लेखक है। कौन है मदर इंडिया के लेखक, याद रख लीजिए, कैथरीन मेयो। कौन? कैथरीन मेयो। तो देखिए, एक तरीका से यह अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ
किस वर्ष से पूर्णता काम करने लगा, यूरोपीय संघ किस वर्ष से पूर्णता काम करने लगा, 1999, 1995, वर्ष 2002, वर्ष 1993 ईस्वी में। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क और दिया जाता है कि कारगिल युद्ध कब हुई थी, कारगिल युद्ध कब हुई थी, कारगिल विजय दिवस कौन सा है, दो क्वेश्चन आपके और इंक्लूड कर दिया जाता है। तो टोटल अभी तक मैंने 9 से 10 क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो यूरोपीय संघ किस वर्ष से पूर्णता कार्य करने लगा, तो इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा आपको पता है, तो देखिए इसका सही और सटीक जवाब होगा क्या होगा, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा 2002 से यूरोपीय संघ जो है पूर्णता काम करने लगा, तो 2002 इसका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, 1853, 1899, 1875 या 1905 ईस्वी में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये लेके शायद 11वां क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क का, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो जब आप वीडियो देखते हैं ना उसी के समय पॉज करके कम से कम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी, कब, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, सर थॉमस एम हर्स्ट, सर रोनाल्ड लेवेला चैम्पियन, सर जेनाल्ड गिब्स या एस मुखर्जी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे, आर्मी के अध्यक्ष कौन थे और नेवी के अध्यक्ष कौन थे। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मस्ट एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, कॉपी में लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे दीजिए, क्योंकि जो भाइयों को पता नहीं है वो भाई भी आपके जान जाएंगे यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, तो यही एक ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग गूगल भी नहीं करना चाहते हैं, क्यों, उनको बहुत ज़्यादा ये मेहनत नहीं करना है ना, मेहनत नहीं करना है उनको, गूगल भी नहीं करना है, गूगल ऐसा चीज़ है कि आपको हर समय किसी चीज़ का भी आंसर दे सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायुसेना अध्यक्ष सर थॉमस एम हर्स्ट थे। तो देखिए मैंने अभी तक आपसे कितना क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो यही टेस्ट का फ़ायदा है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, CRPF का फुल फॉर्म बता दीजिए, CRPF का फुल फॉर्म बता दीजिए, CRPF की स्थापना कब हुई थी बता दीजिए, तो और दो क्वेश्चन इंक्लूड कर लीजिए। तो अभी तक 13-14 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ भी लिया है, तो यही टेस्ट का फ़ायदा है, जो क्वेश्चन जो लगता है ना मतलब आपके एग्जाम्स में आएगा वो भी पूछ लिया जाता है। तो CRPF का फुल फॉर्म बेसिकली, इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म नहीं, मुख्यालय कहाँ है, तो CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है, कोई बता सकता है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन है, दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब परिवर्तन हुआ था भारत का। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और किसके शासनकाल में हुआ था, दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब परिवर्तित हुआ था। इफ़ आप एक इच्छुक कैंडिडेट है नेट में जाके सर्च कीजिए, देन आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे भी देखना है क्या आपका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलोर में स्थित है, कहाँ पर ही, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और होमवर्क क्वेश्चन, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइएगा, मज़ा आता है क्वेश्चन पूछने में आप लोगों से, इसलिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछता हूँ। क्रिकेट के नियमों में परिवर्तन के बाद पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया।
तो देखिए आज का एक और होमवर्क क्वेश्चन इंक्लूड कीजिए, एसेज सीरीज होता है, एसेज एसेज आपको पढ़ाया है, किन दो देशों के बीच होता है, एसेज सीरीज जो होता है किन दो देशों के बीच होता है। हाल अब आपको महाकुंभ स्पोर्ट्स का करवाने वाला हूँ जिसमें स्पोर्ट्स के सारे टॉपिक कवर होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए, क्रिकेट में नियमों में परिवर्तन के बाद पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच खेला गया था नियम परिवर्तन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है, त्रिशूल इज वास टाइप ऑफ मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली, जमीन से जमीन में, जमीन से हवा में, हवा से जमीन में। तो देखिए आपको इसका आंसर सही आना चाहिए, त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है। तो त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है, त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कैसी, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है, खड़गवासला, नई दिल्ली, देहरादून, माउंट आबू। इसके साथ आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, NDA कहाँ स्थित है, NDA को क्या बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। कहाँ पड़ी, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी मैंने आपको क्या बताया, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है, मनाया जाता है गणित दिवस, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य की, श्रीनिवास रामानुज की, वरिष्ठ नारायण सिंह के। तो गणित दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, तो देख लीजिए, श्रीनिवास रामानुज की स्मृति में गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धन दिवस कब मनाया जाता है, 14 मई, 28 जून, 26 अप्रैल या 4 दिसंबर। तो देखिए आज का होमवर्क क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन आपका इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहा है। देखिए जो क्वेश्चन देता हूँ वो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रहता है, नहीं पता गूगल से कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 4 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, डायरेक्ट 4 दिसंबर पूछा जा रहा है आपसे, देखिए मैंने आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, 4 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन मेरा जन्मदिन भी है, 4 दिसंबर को ही मेरा जन्मदिन भी है, तो यह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलिए आपको बताना है बट 4 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, निर्धन दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जून को निर्धन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई किस वर्ष हुई थी, 1975, 1707, 1717 या 1695 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो बताइए औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बंबई हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे, बंबई हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे, महात्मा गांधी, हरिदास दालमिया, मोहम्मद अली जिन्ना या बरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन बेसब्री से आपसे का इंतजार करता है, भारत में कितने हाई कोर्ट है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो आप जो आंसर दीजिएगा ना, तो कम से कम उसके बगल में उसको क्वेश्चन का शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि मैंने जैसे बम्बई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट पूछा, तो हाई कोर्ट इक्वल टू 25, 26 जो भी है आप ऐसे ही लिखिए कि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा आंसर का आपने दिया, कौन से क्वेश्चन का, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा, बम्बई हाई कोर्ट के पहले बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी थे,
कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने आपसे होमवर्क क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, इसीलिए आपको ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ज़्यादा आपको पता चला कि कैसा क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट लाइन किस खेल से संबंधित है? शॉर्ट लाइन किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, गोल्फ, स्क्वैश, हॉकी। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। तो तीन क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया गया, तो जितना का मैं टेस्ट करवा रहा हूँ उससे ज़्यादा का आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। यही एक फ़ायदा है टेस्ट के जरिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ जो कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शॉर्ट लाइन जो है किस खेल से संबंधित है। शॉर्ट लाइन किस खेल से है? स्क्वैश से है। स्क्वैश इज एसोसिएटेड विथ शॉर्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे का संबंध किस पार्टी से है? आप लोग न्यूज़ जानते देख रहे होंगे तो इनका नाम तो आप लोगों के दिमाग में होगा, किस पार्टी से हैं तो आप आँख बंद करके भी बता सकते हैं। कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी। तो चलिए इसका आंसर जल्दी में देते हैं। उद्धव ठाकरे किस से हैं? तो शिवसेना से है। रामविलास पासवान किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या बताना है कि टेस्ट कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कम से कम बताइए, और आपका स्कोर कितना रहा। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा अपने फ्रेंड्स में जो आपको नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप फ्रेंड्स का भला चाहते हैं, यदि अच्छा चाहते हैं किसी का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उस दोस्त से जिसका प्रैक्टिस या प्रिपरेशन थोड़ा कमी है, जो प्रिपरेशन अच्छा करता हो, सिलेक्शन लेने के हकदार हो। कम से कम सब फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर टेस्ट देने के लिए मतलब उत्साहित कीजिएगा उसको। वर्तमान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, रोनाल्ड रीगन, बराक ओबामा। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही से ठीक जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको भी पता है, वर्तमान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।